गाइस वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। तो भी मैं फिलहाल सुबह सुबह एक्सरसाइज कर जा रहा हूँ। मैंने एक्सरसाइज में ना बस 300 सपाटे मारे कंटिन्यूसली, एंड सुबह मैं गया था वहाँ पे 5:30 बजे। मैं वैसे 5 बजे गया था पर एक बंदा लेट आया, इसलिए एक भैया लेट आया इसलिए मुझे चालू करने में लेट हुआ। एंड 6:30 बजे के 300 सपाटे कंटिन्यूसली, वो भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। एंड अभी घर चलते, रेडी वेडी होते एंड IT का पढ़ाई करते। 10 बजे जाना है हमें, तो चलते अभी 6:30 बजे, 7 बजे तक जाके रेडी वेडी होऊंगा मैं। अभी तक जो है ना सूरज दिखा नहीं है, एंड मतलब बस उजाला हुआ है, सूरज दिखा नहीं है अभी तक मुझे सुबह से। एंड घर जल्दी जा रहे क्योंकि पापा गुस्सा कर रहे, बोल रहे कि बस डेली 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा, तो इसलिए जल्दी से एक्सरसाइज करके जल्दी से घर जा रहे हैं। एंड डेली घर जल्दी जाएंगे अब। घर पहुँच के रेडी वेडी हो चुके हैं एंड अभी फिलहाल मैं खाना खाने वाला हूँ। चपाती एंड दूध एंड शेंगा के लाडू भी है। मैंने 2-3 दिन से ना शेंगा के लाडू मुझे दिखे नहीं, एंड मैंने मुझे याद भी नहीं आना आया शेंगा के लाडू है और मैंने खाया ना, तो अभी चलते हैं घर। शेंगा लाडू, चपाती, दूध एंड खाना खाने के बाद ना मैं पढ़ाई करने वाला हूँ IT का। जाओ उसके जब फिलहाल रेडी वेडी होकर कॉलेज पहुँच चुके हैं सीधा। एंड घर में जो है ना दूध चपाती खाई, एंड उसके बाद पढ़ाई की, 1 घंटा रीडिंग की जाओ से ऊपर। उसके बाद फिर से शाबू बना था, शाबू खाया, शेंगा लाडू कभी उसके कभी खाया शाबू के साथ। एंड उसके बाद रेडी वेडी होकर कॉलेज पहुँच गए। चलते हैं, IT मैडम आ चुके हैं मेरे घर पर, यहाँ से फ्यू मारा 2 मिनट में, तो रुकते उसके लिए फिर जाएंगे। आज टेस्ट है पता नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी नहीं हुई है। मैंने पढ़ा है सब कुछ पर नहीं आएगा, मुझे पता है। 2-3 बार प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, बस 1 बार रीडिंग की है, तो चलते हैं। IT की जो टेस्ट है वो हो चुकी है, एंड IT के टेस्ट में जब मैडम ने क्वेश्चन लिखे हमने सबने, एंड उसके बाद जो हमें तो कुछ नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं कुछ नहीं आ रहा, शिवम को भी कुछ नहीं आ रहा। मैडम को बोला, मतलब मैडम ऐसे घूमते होते ऐसे, मैडम ने बोला हुआ क्या पेपर, एंड मैंने मतलब मेरे बोला कुछ आता ही नहीं तो लिखना क्या, मतलब कुछ आता ही नहीं तो मैडम को बोला मैंने। एंड मैं चेकिंग हो गया, एंड मैडम ने जो है ना मतलब 4 क्वेश्चन दिए थे 5 मार्क्स के, एंड चारों के चारों ना जो है मैडम लिखे, इतना खुश हुआ था। मैडम ने ना आंसर लिखे क्वेश्चन के, 4 क्वेश्चन के 5 मार्क का था, एंड फिर चेकिंग भी मैडम ने की, एंड आउट ऑफ मार्क मिले मुझे। मतलब मैडम ने लिखा कुछ तो सोच के लिखा, तो मुझे पता नहीं कुछ, मैडम ने क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर एंड चेकिंग भी की। मैंने बोला मैडम चेकिंग भी कर दो, तो चेकिंग भी की एंड आउट ऑफ मार्क मिले गए मुझे। जो है ना बहुत खुश हो रही थी, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। मैडम मतलब मैडम ने बुलाया एंड आंसर भी लिखे, चेकिंग भी किया, सब फर्स्ट टाइम जिंदगी में फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। एंड लेक्चर होने के बाद हम जो है लाइब्रेरी में आए थे जगह पकड़ने के लिए, एंड फिर वहाँ से कैंटीन गए थे पानी बॉटल ली, एंड फिर से आके लाइब्रेरी में बैठे। अभी चलते हैं वहाँ पे बैठ के, IT की टेस्ट बुक लाई है बस मैंने, वो पढ़ते बैठूँगा। तो चलते हैं लाइब्रेरी में, 2nd फ्लोर वाली। तो भी घर पहुँच के रेडी वेडी हो चुके हैं, एंड कॉलेज में लाइब्रेरी में थोड़ी पढ़ाई की, एंड उसके बाद हम मैदान के वहाँ पे 10-15 मिनट बैठे, एंड वहाँ से सीधा
घर आ चुके हैं एंड मेरा जो है ना आधा घंटा वेस्ट हो चुका है क्योंकि अभी मैं शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए बैठा था एंड टाइम वेस्ट, टाइम कैसे जाता पता ही नहीं चलता। एंड अभी फिलहाल से रेडी हो चुका हूँ, चलते हैं एंड खाना खाते हैं। शाबू है एंड उसके बाद बटर भाजी है, चपाती है, दूध है, चलते हैं खाते हैं। तो मैंने जो है ना आराम से खाना वाना खाया और सब कुछ बहुत आराम से खाना खाया, तो आधा घंटा खाना खाया एंड उसके बाद आधा घंटा मोबाइल देखा, टाइम पास किया, एक घंटा रेस्ट ली एंड उसके बाद आधा घंटा जो है एडिटिंग की एंड अभी फिलहाल फ्रेश हो चुके हैं, फिर से चलते हैं एंड पढ़ाई करते हैं। आज पढ़ाई में क्या करना है पता है? आज जो है मैंने IT की जर्नल लगी है और क्लास में क्या होता, हम 9 जन थे टोटल, उसमें से एक गर्ल थी एंड उसका जर्नल कम्प्लीट था, उसने मैडम के पास गई, चेक वेक किया एंड फिर हमने जो उस लड़के ने हमने मैडम को मांगा, मैडम मैडम जर्नल दोनों, तो मैडम ने उससे लेके हमें जर्नल दी, थैंक यू। एंड मैडम ने बोला कि अच्छे संभल कर जैसे लिया वैसे देना, तो वो जर्नल है हमारे पास अभी, चलते हैं एंड वो लिखते बैठूँगा, बहुत लिखना है उसमें, तो पूरी बुक भरी हुई बुक है, चलते हैं लिखते बैठते, वो भी गाना साइड में गाना लगाऊँगा एंड लिखते बैठूँगा। लिखते बैठने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ाई करने में प्रॉब्लम है, चलते हैं एंड पढ़ाई करते हैं। तो चलते हैं एंड राइटिंग वर्क जो है हमारा कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो है ना रात के एग्जैक्ट 10:30 बजे एंड मैंने 6:30 बजे के आसपास पढ़ाई चालू की थी, 4 घंटे हो चुके हैं एंड बीच में आधा घंटा था ना, इतनी देर पढ़ाई की मुझे पता ही नहीं चल, मतलब 3-3.5 हो गए और एंड अभी मैं 12 बजे तक देखने वाला हूँ, कल सुबह तक, कल तक ना मुझे 10 बजे के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना है, मतलब पूरी IT की जर्नल कंप्लीट करना है कुछ भी करके। तो अभी मैं क्या बोलते हैं 12 बजे तक लिखते बैठूँगा, चलते हैं एंड लिखते हैं, ये अभी शूट करोगे कि ये साइड में अपलोडिंग को लगा दूँगा मैं, तो चलते हैं, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं कल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बाय। ये देखो अभी जो है ना एग्जैक्ट 7:37 हो रहे हैं, मैंने 10:30 बजे भी एग्जैक्ट 10:30 बजे भी रिकॉर्ड किया था पर वो वीडियो लैग हो रहा है। मैंने आज जैसे 2-3 घंटे कंटिन्यूस राइटिंग वर्क किया ना, वैसे ही अगर मैं 2-3 घंटे डेली मतलब रिवीजन प्रैक्टिस ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा, मेरा होना चाहिए ऐसा, मतलब यार तभी जब बैठता ना तभी मन नहीं लगता। अभी देखो 3 घंटे से बैठा तभी कुछ नहीं हो रहा मुझे, और लिख सकता हूँ मैं और 3 घंटे लिख सकता हूँ, पर रीडिंग एंड प्रैक्टिस नहीं होती, क्यों नहीं होती पता नहीं मुझे। अभी चलते, गुड नाइट।